किसान भाइयों, हमारी छोटी सी गलती के कारण कोई भी ट्रैक्टर फेल हो जाता है। तो किसान भाइयों, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, हमारी इस वीडियो के तीन ट्रिक हैं, उस ट्रिक को आप समझ लीजिए, आपका ट्रैक्टर दावा करते हैं फेल नहीं होगा। किसान भाइयों नमस्कार, मैं आपका दोस्त लोकेश कुमार, लोकेश 2575 चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दो ट्रैक्टर आपके सामने खड़े हैं। पहला ट्रैक्टर हम आपको दिखाएंगे, ये मात्र 20 से 25 कुंटल में आगे से खड़ा हो जाता है, जबकि ये बम्पर वाला ट्रैक्टर 40-45 कुंटल में भी खड़ा नहीं होता। तो किसान भाइयों, हम आपको सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं इन ट्रैक्टरों का, ये छोटे बड़े किसी भी ट्रैक्टर पर सब चीज़ों पर ये लागू होता है। तो चलिए हम आपको ये दिखाते हैं कि ये नए ट्रैक्टर का जो हिच है, आप देख रहे होंगे ये हिच ही गलत है। अब हम आपको तीन ट्रिक बताएंगे जो दूसरे ट्रैक्टर पर बताने वाले हैं। तीन ट्रिक आप हमारे इस्तेमाल कर लीजिए और आपका ट्रैक्टर, हम दावा करते हैं कि ट्रैक्टर आगे से खड़ा नहीं होगा। और ये आप देख रहे हैं, ये 11 इंच लंबा इसका हिच है। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो किसान भाइयों, ये जो ट्रिक हम तीन बताने वाले हैं, ये हर ट्रैक्टर पे लागू होती है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी ट्रैक्टर हो। तो चलिए हम दूसरे ट्रैक्टर की तरफ। तो किसान भाइयों, हम आ चुके हैं दूसरे ट्रैक्टर की तरफ। अब हम आपको नाप के दिखा रहे हैं, वो ट्रैक्टर 11 इंच था और ये लगभग 6.25 इंच की लंबाई है। यानी कि हम ये समझाना चाहते हैं, ये हमारी पहली ट्रिक है जो हम समझाना चाहते हैं, ये लंबाई हम कम से कम करनी है किसी भी ट्रैक्टर की हो। जितनी ये दूरी हम कम कर देंगे, उतना ही ट्रैक्टर आगे से खड़ा नहीं होगा। ये पहली ट्रिक, ठीक है। दूसरी ट्रिक हमारी यह है, ध्यान से सुनिएगा किसान भाइयों, दूसरी ट्रिक हमारी यह है कि जितनी हम इसकी ऊंचाई नीचे कर दें, यानी कि इसको जितना नीचे की तरफ हम उसको लगा देंगे बनवाकर, उतना ही ट्रैक्टर हमारा खड़ा नहीं होगा। जितना हम इसको बहुत ऊपर ले जाएंगे, उतना ही ट्रैक्टर हल्के से लोड में, मैं यूँ कहूँ 10-5 क्विंटल में भी बड़ा ट्रैक्टर खड़ा हो जाएगा, और जितना हम नीचे ले जाएंगे ये खड़ा नहीं होगा। किसान भाइयों, अब तीसरी ट्रिक हम आपको बताते हैं। किसान भाइयों, जब हम इसमें ट्रॉली जोड़ते हैं तो उसमें गैप मात्र लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। हम दावा देते हैं ट्रैक्टर आगे से खड़ा नहीं होगा, दुगनी ताकत लगाएगा आपके काम करने में। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब आपको हम साइड में भी दिखा रहे हैं किसान भाइयों, हमने इस तरह से ये 5 बोर्ड लगाए हुए हैं। अगर आपके पास सेम ट्रैक्टर है तो आप ऐसा भी लगवा सकते हैं। धन्यवाद।